शाहजहांपुर में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर तोड़ने वाले कार्यदायी संस्था के ठेकेदार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदार का पुतला दहन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश अवस्थी एडवोकेट ने कहा कि जिस तरह से इंफ्रा के ठेकेदार द्वारा गैंग गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे आराध्य हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर सहित बर्बरता के साथ तोड़ा गया, ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंफ्रा के ठेकेदार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे आराध्य की मूर्ति को मंदिर से तोड़ दिया है, इसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और रासुका गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाए तथा हमारे आराध्य बजरंगबली को पुनः मंदिर में स्थापित किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए और जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। भारत माता की जय, श्री राम जय राम। हनुमान जी का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। आज हम लोग राष्ट्रीय गौरक्षक संघ हिंदू समाज को लेकर के यहाँ पर कचेरी चौराहे पे आए हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से मथुरापुर जलालाबाद हाईवे रोड पर एक हाईवे बनाने वाली SS Infra कार्यदायी संस्था के द्वारा जो ठेकेदार हैं अपने मनमानी तरीके से भगवान हनुमान जी हमारे आराध्य जिनका मंदिर था उसको इतनी विवश तरीके से पूरी तरीके से तोड़ा है जिसका हम लोगों को बहुत ही ग्लानि है, बहुत ही कष्ट है और हम मांग करते हैं तत्काल ऐसे ठेकेदार के खिलाफ प्रासुका की कार्रवाई की जाए और जो मंदिर है जिस तरीके से जघन्य तरीके से तोड़ा गया है इसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि जब कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं, ऐसे हमारे पंडित और शास्त्रीय गण लोग कहते हैं। तो जिसमें देवता विराजमान हो और ऐसी मूर्ति को तोड़ने का जिसने दुस्साहस किया है उसके खिलाफ प्रासुका की कार्रवाई हो और हमारे आराध्य की जो मूर्ति तोड़ी है उसको पुनः स्थान दिया जाए, जहां भी वो कह रहे हैं कि हमने मंदिर का स्थान दिया है उस वैसी ही मूर्ति बनवा करके दूसरी मूर्ति लगवाएं और वहां पर एक महीने तक पूरा भंडारा करें पूरे क्षेत्र का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हिंदू समाज को लेकर के पूरे जनपद में जन जागरण करके उसकी ठेकेदार की चूल्हे हिला देंगे और हाईवे प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि सड़क तब तक निर्माण नहीं होने देंगे जब तक कि मंदिर दोबारा मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती।